मास्क नहीं पहने? मास्क तो पहने थे लेकिन फोटो गड़बड़ा जाती थी भाई, तो फिर भी मास्क जरूरी है ना। ओके अब आप तो जा दीजिए। चैनल TVR में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग तमिलनाडु राज्य में आए हैं। तमिलनाडु राज्य के महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम जो चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर है, यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यह 1984 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। भारत के 38 विश्व धरोहर में से एक यह भी है महाबलीपुरम। आइए चलते हैं महाबलीपुरम। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। महाबलीपुरम इसे मल्लपुरम नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टुम जिले में स्थित है। अगर आप चेन्नई आते हैं तो प्लीज़ एक बार महाबलीपुरम ज़रूर घूमने आइएगा। यह ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेसवे की तरफ 60 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल ही निकट कोरामंडल के तट पर स्थित है। अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। अब हम लोग एंट्री करेंगे। ये भारत सरकार की तरफ से ये मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दी गई यहाँ पे, और ये मैप, ये हम लोग बीच की तरफ जा रहे हैं। अब हम लोग अंदर की तरफ एंट्री करेंगे। और हाँ, एक ख़ास बात मैंने आप लोगों को बताना भूल गया हूँ। अगर आप नेट वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे, पेटीएम, ETC जो भी है, उसी के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे अंदर आने के लिए। अदरवाइज़ यहाँ पे और पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। कैश में तो आप यहाँ पे पेमेंट कर ही नहीं सकते। तो फिर हाँ, प्लीज़ जब भी आप आइएगा तो फिर ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का बोर्ड है। आई थिंक इस मंदिर का निर्माण पल्लव राजवंश में हुआ था 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच। इस मंदिर को दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसका संबंध 8वीं शताब्दी से है। उस साइड आप देख रहे हैं समुद्र है, ये साइड पे आप देख रहे हैं समुद्र है। बे ऑफ बंगाल, ২০১৯ के अक्टूबर महीने में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी विजिट यहाँ पे किए हैं। मंदिर के जस्ट सामने मंदिर से टकराती ये सागर की लहरें एक अनोखा ही दृश्य उपस्थित कर रही है। आइए अब हम लोग चलते हैं मंदिर की तरफ। यहाँ पे कुछ पेड़ लगाया गया है समुद्र के खारे पानी की लहरों से मंदिर को बचाने के लिए। यह मंदिर द्रविड वास्तुकार का एक बेहतरीन नमूना है। बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है ये मंदिर।
देखिए अंदर शिवलिंग है, आप लोगों को शायद दिख नहीं रही होगी, अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसीलिए ये यहाँ पर रेलिंग दे दिया है ताकि हम लोग उधर ना जाएं कोई भी। आई थिंक फोटो शूट करने का ये बहुत ही अच्छा प्लेस है। बहुत ही शानदार प्लेस, यहाँ पे देखिए आई थिंक फोटो शूट करने का बहुत अच्छा प्लेस है। वो उधर लगाया है उसको, अब वो टोकन लिया हुआ है। वो आंटी वहाँ पे सर ले गई है लग रहा है। चार आइए जानते हैं इनसे क्या राय है इनकी। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशांक दुबे। ओ कहाँ से आए आप? मैं यूपी से आया। यूपी कहाँ से? इलाहाबाद। ओ तो यहाँ पे घूम के आपको कैसा लग रहा है? यहाँ घूम के यहाँ पे जो नेचर है ना जी वो जबरदस्त। इससे पहले आप कभी आए? इससे पहले हम चेन्नई आए लेकिन यहाँ मामलों में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम है लेकिन जो यहाँ पे साफ सफाई या स्वच्छता या फिर जो आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज प्राचीन पाएंगे, मतलब आपको एक लगाव सा लगेगा, प्रेम सा हो जाएगा इस जी एरिया से। लेकिन आप मास्क नहीं पहने? मास्क तो पहने थे लेकिन फोटो गड़बड़ा जाती थी भाई। तो फिर भी मास्क जरूरी है ना? ओके अब आप तो जा दीजिए। अब हम लोग बाहर की तरफ चलते हैं। और हाँ प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। थैंक यू।